देखे पति भरता ने भगवान हो भरत दुनिया में रजती मर्द और सती वीर का प्यार दुनिया में रही मार बदन में बनड़ी कहते सोने का सीधा चांद जुलहरी ले रहा हो मुंह पे सजरी सीना जब बड़े बधाई तजे नहीं और छोटे उत्पात खेल के विष्णु का कट गया मारी जब दुर्गो जी ने घटनाएं ऐसी होती हैं कि आदमी कई याद आ जाती है बुढ़ापे में आ रहा जीवन कर एकला हसीज है वही बात तो चंद्रमा का याद आ जाती है एक लड़का आया था फुटबॉल कढ़ाई में पड़ा था तेरा हाथ जला था वही बात उसके दिमाग में आ जाती है लेकिन ये पता नहीं कि ये वही लड़का है न उसको ये पता कि ये वही लड़की है। सुरेश जी हाँ क्या बताऊं क्या एक बार की बात है हाँ जो ये कॉलेज के लड़के होते हैं ना बड़े बदमाश होते हैं हाँ हाँ और इन कॉलेज के लड़के का के हाल बताऊं मैं एक चुम चुम करती लड़की की के चाल बताऊं मैं पढ़ा फुटबॉल कढ़ाई और सही साल बताऊं मैं न गई निशानी आज तलक से जरा तेल तात मेरे भी साल मेटे को नर गई तीन नजर तैगा क्या और अच्छा जी मैं समझ गई फुटबॉल तेरी थी तू तो वाए लड़की सैर लड़ी जो साथ मेरी थी और हरी कढ़ाई बीच तले फुटबॉल गेरी थी सीकल फेरी थी ओ जमुना दास कह गठ जोड़े की देरी जूनी जा
कृष्ण सोए कोन्या ओई बदला ते प्रभात। सहबानो चलते चलते पिताजी एक दिन बीमार हो जाता है। पिताजी सोचता है इसकी माँ बड़ी खतरनाक लुगाई है, बहू को बड़ी तंग करती है, तू मर जाएगा, ये तंग करेगी। अपने बेटे से कहता है, बेटा मैंने लिख के दिए, वकील था, लिख के दे मेरे को कि मैं मेरी माँ को कभी दुख नहीं दूंगा। बेटे सूरत यार मेरे पास है। बेटे, एक मेरी बात मानोगे? मेरी बात सुनते हो क्या? हाँ। बेटा मेरी तबीयत खराब है, ये इस दम रुक रहा है मेरा। आप ऐसे करो, मेरे भाई हरियाणा की धरती है, इस धरती पर दादा लक्ष्मीचंद, बाजी नाई, श्यामी जी हरदेव सिंह, धनपत सांगी, बड़े बड़े कवि हुए हैं। वो हमारी भाषा छोड़ करके, उनकी कविता छोड़ करके जिनसे कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, आज किसे कवि हो गए ब्लैट जाता उपाचन है। जो मैं आज राग ही पर सुना रहा हूं आपको, और करना, बाप की परिभाषा क्या है, बाप की परिभाषा क्या है, बाप का दर्जा क्या है, बाप किसे कहते हैं? ए रगना बाप के बेटे ने, मस्त रहे, सोच का ना काम रहे, इतने माँ बाबू जी हुए, इतने छोरा नाम रहे। बेटा सूरज देखो, एक एक मेरी मेरी बात को मानोगे नहीं? हाँ, इसके ऊपर कोरे कागज के ऊपर ये लिख के दो कि तेरी माँ का उम्र जिंदगी तक साथ देना पड़ेगा। ओ बेटे, ऊपर की काली है, दिल की काली नहीं है, बिल्कुल अच्छी औरत है। ये उसका कहना मानना है। कली में और करना, कली के अंदर ऐसा भाई, इतने पार बसाओ पिता की, नहीं पुत्र ने दुख देगा, बे लेना चाले छोरा, पिता समझ के टुक देगा, अंधा लंगड़ा बेरा बाबू जी हुए, इतने सुख देगा। ओ भाई तने क्यों दुनिया फद्दू बना रखा से, के कहो अंधा लंगड़ा बेरा बाबू जी हुए, इतने सुख देगा, अंधा भी हो गया, लंगड़ा भी हो गया, भैरा भी हो गया, चिलकी मरमर बात करनी पड़ेगी। आज की जवान नहीं है, मैंने कहा अंधा लंगड़ा बहरा बाबू जी हुआ, इतने सुख देगा। छोरा क्या कैसे, अंधा भी हो गया, बहरा भी हो गया, लंगड़ा भी हो गया, पहले दुख देगा वो, पहले सुख है। अंधा लंगड़ा बहरा बाबू जी हुआ, इतने सुख देगा। लोगो तन खा
था पैदी कौन मिले ईसा जस का पहरेदार रे। सूरज रोया पिता होया सकते चारी भाई। इस बात में कौन समझेगा? सुनने वाले तीन प्रकार के होते हैं, एक तो होता श्रोता, एक होता तोता, एक होता खोता। श्रोता कौन सा होता है? पूरी बात समझ गए उसका रिजल्ट निकालेगा सही कैसे कि नहीं। तोता कौन सा हो जाए? गल्ला हम गांव गला धार नारा डाडर नारी गल्ला का होगा ना बराबर सुन दे। एक हो जाए खोता, पी के भूडी दारू उदी कोई हार नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई मतलब निकी में गाया जाओ से इतना उठी बाहर नहीं कर डांगे हम नहीं होने मानने। गौर करना कली के अंदर है बिना बाप के बेटे ने सब त्रिया लाचारी भाई। घर कुन बेर खानदान की आया सोचनी सारी भाई। कुन बेका इंचार्ज बनना या खोटी बीमारी भाई। बालकपन हो गति त्यागना ओ बच्चा मैं सुमार रे। सूरज रो बेटे की बतलाए निराली हो। धनपत सिंह ने बुझो लोगो बाबू भी ना काली हो। धनपत सिंह ने बुझो लोगो बाबू भी ना काली हो। बाप किसाना और भरोसा यो तो मतलब का संसार रे। सूरज रोया बेटे आप लिख के दो मेरे को के मैं तेरी माँ से बिल्कुल भी कोई भी शब्द न्याना नहीं करना, कोई बात न्यानी नहीं करनी, बेटे उसकी सेवा करना। लिख के दे देता है अपने पिताजी से सेवा करना कि मैं मेरी माँ को कभी दुख नहीं दूंगा और पिताजी का ध्यान तो जाता है। अब चलते चलते सास बहू का रोआ रहता है। जन्म अष्टमी का दिन आ जाता है, सब लड्डू पीने से व्रत खोलते हैं। चंद्रमा को कुछ नहीं दिया जाता, काम ज्यादा लिया जाता है। एक तुलसी के पत्ते से व्रत खोलती है, कैसे खोलती है? मन मीठा
सब प्यारे जी मगे गोई पहुंच मिठाई कमरिया में और नारे नौकरानी थी लाडो वो आती है क्या कहती बोला अरे चंद्रमा सभी तो लाडू पेड़े हुए सात बार खोलती है और तुम तुलसी के साथ आपके साथ तो बड़ा अन्याय हो रहा है अरे लाडो हाँ तुम सभी ये मत बोलो क्यों नहीं नहीं क्यों गजब हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरी बात सुनो सुनाओ ए मत ना बोलो लाडो काम बेढंगा जय सुन लेगी मेरी सास चार चक दंगा हो जाएगा और पति बरतान पति जगत में गंगा हो जाएगा कोई सुन लेगा इस बात का आप क्या कर रही हो ये घर का काम तेरा बाप करेगा तेरा बाप करेगा ये काम माता जी काम करेगा चली जाओ मैं नहीं डरती तुम्हारे सासू से मेरे साथ तो हो ही रहा है और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा सब तुम्हारी बात तुम्हारी माँ के आगे बताऊंगी मैं ए चुप की घर में